जय हिंद साथियों। एक नए वीडियो के साथ मैं अपने शिक्षा दृष्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, व्यक्तित्व पर हमने पिछला वीडियो बनाया था। व्यक्तित्व क्या है और एक शिक्षक के द्वारा अपने बालकों में, अपने शिष्यों में कैसे व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है, अच्छे से कैसे व्यक्तित्व बनाया जा सकता है, निखारा जा सकता है, इस पे चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप पिछला वीडियो देखकर उसको समझ सकते हैं। आज हम व्यक्तित्व पर्सनालिटी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी अपने क्वेश्चन आवर में लेके आए हैं। हम इसमें देखेंगे 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी में कि व्यक्तित्व टॉपिक से ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं व्यक्तित्व प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला प्रश्न हमारा बनता है, पर्सनालिटी किस भाषा का शब्द है? व्यक्तित्व की अंग्रेजी पर्सनालिटी है और यही पहला प्रश्न है कि यह पर्सनालिटी किस भाषा का शब्द है, पर्सनालिटी किस भाषा का शब्द है। ये हमने बताया था पर्सनालिटी लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा ध्यान देना है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसी में अगला प्रश्न हमारा बन जाता है कि यह पर्सनालिटी शब्द किस भाषा, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो यह लैटिन भाषा के परसोना, परसोना शब्द से बना है। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है परसोना का क्या अर्थ होता है, यह भी पूछा जाता है। परसोना का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा नकाब, नकाब या मुखौटा, मुखौटा, नकाब या मुखौटा, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसमें तीसरा प्रश्न जो बनता है वह शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम पूछ रहा है किसने किया? किसने किया? शारीरिक संरचना मनोवैज्ञानिक आधार पे ऐसे कई तरीकों से व्यक्तित्व का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। शारीरिक संरचना के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया वह सर्वप्रथम क्रेसमर ने 1925 में किया था। 1925, ये ध्यान देना है। क्रेसमर जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के वर्गीकरण किए। अभी इस पर भी प्रश्न बनेगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो अपने वातावरण से समायोजन निर्धारित करता है।
ये परिभाषा है व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो अपने वातावरण से समायोजन निर्धारित करता है। ये महत्वपूर्ण सबसे अच्छी परिभाषा व्यक्तित्व की मानी जाती है। इसमें मनोदैहिक मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है और जो वातावरण से समायोजन स्थापित करता है। ये किसकी परिभाषा है तो ये नहीं भूलना है, ये आलपोर्ट आलपोर्ट की परिभाषा है जो 1900 आलपोर्ट की परिभाषा है जो 50वीं परिभाषा के रूप में जानी जाती है। आलपोर्ट की 50वीं परिभाषा, इससे पहले मनोवैज्ञानिकों ने 49 परिभाषाएं व्यक्तित्व की दी थी। उस 49 परिभाषाओं के विश्लेषण के फलस्वरूप आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की 50वीं परिभाषा ये लेकर आए और यही सर्वमान्य परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा भी मानी गई। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन माना और यह भी माना कि इसी व्यक्तित्व से व्यक्ति पर्यावरण से समायोजन स्थापित करता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को किस रूप में माना है? आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को किस रूप में माना? ये प्रश्न आता है, किस रूप में व्यक्तित्व को माना? तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को जीव में केंद्रित माना। उत्तर होगा जीव में केंद्रित। यह जो व्यक्तित्व होता है यह किसी भी व्यक्ति जीव में केंद्रित माना। आइए छठे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित हमारा जो छठा प्रश्न है प्रश्नोत्तरी का, लंबा पतला, लंबा पतला और झुके हुए कंधों वाला और झुके हुए कंधों वाला झुके हुए कंधों वाला ये व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा, किस श्रेणी या वर्गीकरण, किस श्रेणी या किस वर्गीकरण में आएगा? होगा यहां उत्तर होगा एस्थेनिक। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है एस्थेनिक, यह 2010 में पूछा भी गया है परीक्षा में। एस्थेनिक लंबा पतला और झुके हुए कंधों वाला, ये जो वर्गीकरण है इसमें क्रेस्मर का वर्गीकरण है। सातवां प्रश्न जो आएगा
हमारे प्रश्नोत्तरी का वह है व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी पूछा जाता है। मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन, इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत ये इरिक्सन ने दिया। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने बताया? अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने किया? यह भी प्रश्न आता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये वर्गीकरण युंग का वर्गीकरण है। युंग कहीं कहीं ये फुंग भी मिलता है, युंग या फुंग। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवा प्रश्न, जो प्रश्नोत्तरी का नवा प्रश्न है, सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया? सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? सेल्डन ने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा था। इसका उत्तर होगा तीन भागों में। कौन कौन सा भाग था? एंडोमार्फी, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी। ये तीन विभाजन थे सेल्डन के। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये सेल्डन का तीन विभाजन है। हम दसवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दसवां प्रश्न एम एम पी आई, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेडिज पर्सनालिटी टेस्ट। ये व्यक्तित्व परीक्षण का टेस्ट है। किससे संबंधित है? प्रश्न बनता है किससे संबंधित है? उत्तर होगा व्यक्तित्व मापन से, एम एम पी आई, मिनेसोटा मल्टीफेडिज पर्सनालिटी टेस्ट। ग्यारहवां प्रश्न, प्रश्नोत्तरी का ग्यारहवां प्रश्न एम एम पी आई इसी संबंधित है। एम एम पी आई का निर्माण किसने किया? एम एम पी आई मिनेसोटा मल्टीफेडिज पर्सनालिटी टेस्ट का निर्माण किसने किया? ये हाथवे एंड मैगिंस मनोवैज्ञानिक थे। हाथवे एवं मैगिंस ये मनोवैज्ञानिक थे। हाथवे एवं मैगिंस इन्होंने एमएमपीआई मिनेसोटा मल्टीफेडिज पर्सनालिटी टेस्ट का निर्माण किया, जो व्यक्तित्व मापन से संबंधित टेस्ट है। बारहवां प्रश्न, किशोरों के लिए व्यक्तित्व मापन टेस्ट का क्या नाम है?
किशोरों के लिए व्यक्तित्व मापन टेस्ट का नाम क्या है? किशोरों के लिए जो व्यक्तित्व मापन का टेस्ट है उसका नाम है MMPIA। ध्यान देना है MMPIA ये सिर्फ किशोर बालक बालिकाओं हेतु प्रयुक्त होने वाला व्यक्तित्व परीक्षण का टेस्ट है। 13वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। रोडसा का इंक परीक्षण, रोडसा का इंक परीक्षण किससे संबंधित है? रोडसा का इंक परीक्षण संबंधित है किससे? व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि, ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है। रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण ये व्यक्तित्व विशिष्टता से संबंधित है। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। ध्यान देना है हमने त्रुटिवश पिछले वीडियो में 10 के जगह 21 कार्ड बोला था जो गलत है, किसी पुस्तक से हमको गलत मिल गया था। हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि से संबंधित यह रोडसा का इंक परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण है जिसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। 5 काले होते हैं, लाल होते हैं और कुछ लाल और काले मिक्स होते हैं। ऐसे रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण है जो व्यक्तित्व के प्रक्षेपण विधि से संबंधित है। रोडसा 1921 में इस परीक्षण का निर्माण किए थे, यह भी ध्यान देना है 1921 में। 14वां प्रश्न बनता है प्रकार सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रकार सिद्धांत टाइप थ्योरी किससे संबंधित है? प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। व्यक्तित्व का सिद्धांत है प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व मापन का एक सिद्धांत है जिसमें खास खास प्रकार के समूह में व्यक्तियों को बांट दिया जाता है। उनकी विशेषताओं, उनके गुणों के आधार पर उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया जाता है। इसको हम प्रकार सिद्धांत कहते हैं। प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो व्यक्तित्व मापन का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है, यह भी ध्यान देना है। यह पुराना सिद्धांत है। ये 14 प्रश्न हुए। 15वां प्रश्न व्यक्तित्व मापन का 15वां प्रश्न व्यक्तित्व टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तरी में 15वां प्रश्न फिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व, पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व से तात्पर्य, पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व ये क्या होता है? कद छोटा, शरीर भारी, गर्दन छोटी, कद छोटा,
शरीर भारी और गर्दन छोटी और मोटी। ये पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व है। पिकनिक प्रकार जो क्रेस्मर का वर्गीकरण है, ये 15 प्रश्न है। प्रश्नोत्तरी के हम रिवीजन करना चाहेंगे। लंबा पतला और झुके हुए कंधों वाला व्यक्ति किस वर्गीकरण में होगा? ये एस्थेनिक प्रकार का वर्गीकरण है, जो प्रश्न आ भी चुका है परीक्षा में। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? यह एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसका है? तो ये युंग का वर्गीकरण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है अंतर्मुखी बहिर्मुखी विभाजन। सेल्डन जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तो ये कुल 3 भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया था, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी व्यक्तित्व 3 प्रकार से माना। MMPI किससे संबंधित है? यह व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। MMPI का निर्माण किसने किया? हाथवे और मैकिन्स ने किया। किशोरों के लिए MMPI का प्रयोग होता है, ध्यान देना है। रोर्सा का इंक परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, यह भी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है, जिसमें 10 कार्ड होते हैं। 1921 में इसका निर्माण हुआ था। प्रकाश सिद्धांत, टाइप थ्योरी, यह भी व्यक्तित्व मापन का एक सिद्धांत है, जो व्यक्तित्व मापन का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। और पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता होती है कद छोटा, शरीर भारी, गर्दन छोटी और मोटी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्नोत्तरी का जो अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न, उसपे देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है व्यक्तित्व मापन का और व्यक्तित्व प्रश्नोत्तरी का 16वां प्रश्न। व्यक्तित्व प्रश्नोत्तरी का 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न है, मेसोमार्फी क्या है? मेसोमार्फी क्या है, यह प्रश्न आता है। मेसोमार्फी क्या है? मेसोमार्फी यह प्रश्न है। मेसोमार्फी यह सेल्डन का वर्गीकरण है, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी। मेसोमार्फी में जो विशेषता पाई जाती है, ऐसे व्यक्तित्व सुडौल, शरीर मजबूत, हड्डियां और मांसपेशियां। सुडौल हड्डियां और मांसपेशियां, सुडौल शरीर, मजबूत शरीर, ये मेसोमार्फी है, जो सेल्डन का वर्गीकरण है। 3 वर्गीकरण किया था उन्होंने। 16वां प्रश्न। 17वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। टीएटी क्या है? टीएटी व्यक्तित्व मापन से संबंधित है, प्रक्षेपण विधि है व्यक्तित्व मापन की। टीएटी व्यक्तित्व मापन की जो ये प्रक्षेपण विधि है, इसका फुल फॉर्म है थीमैटिक
अपर सेप्शन टेस्ट व्यक्तित्व मापन की व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि ये TAT है। 18वां प्रश्न, रोरसा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? हरमन रोरसा पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। रोरसा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? हरमन रोरसा ये स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1921 में व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण इन्होंने किया, जिसमें कुल 10 कार्ड थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। 19वां प्रश्न क्या है? बच्चों के व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त टेस्ट का नाम, बच्चों के व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त टेस्ट का नाम क्या है? जो बच्चों के व्यक्तित्व का मापन करता है वो टेस्ट क्या है? CAT चिल्ड्रेन अपर सेप्शन टेस्ट CAT बच्चों के व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। 20वां प्रश्न क्या है? सील गुड़ सिद्धांत किससे संबंधित है? सील गुड़ सिद्धांत किससे संबंधित है? पिछले वीडियो में भी हमने बताया था सील गुड़ सिद्धांत व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है। सेलगुड जिसको अंग्रेजी में ट्रैट कहते हैं, ट्रैट ये सेलगुड जो व्यक्तित्व का वर्णन करने में सहायक होता है, जैसे दीवारें ईंटों से मिलकर बनी होती है, वैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के सील गुणों से मिलकर बना होता है। ये सील गुण व्यक्तित्व का वर्णन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन सील गुणों का सिद्धांत जो बताया गया उसमें आलपोर्ट और कैटल ये दो मनोवैज्ञानिक थे। इनका सील गुण सिद्धांत सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने सील गुणों की सहायता से व्यक्तित्व को विकसित होना बताया। 21वां प्रश्न, प्रश्नोत्तरी का 21वां प्रश्न, मानसिक चिकित्सा करने हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी है? मानसिक चिकित्सा में
प्रयुक्त विधि कौन सी है। मानसिक चिकित्सा में बहुत सी विधियां दी जाती हैं विकल्प में, उसमें जो प्रयुक्त विधि होती है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रयोग मानसिक चिकित्सा करने में प्रयुक्त होता है। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, किस विधि द्वारा व्यक्तित्व के उन गुणों का बोध होता है, जिससे व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है। किस विधि के द्वारा व्यक्तित्व के उन गुणों का बोध होता है जिससे व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है, ये ऐसी कौन सी विधि है? इस विधि का नाम है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि ऐसी विधि है जिसकी सहायता से व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का पता चलता है। अगला प्रश्न है, पेट बड़ा पाचन क्रिया संबंधी आंतें कम विकसित। पेट बड़ा और आंतें कम विकसित हो, इस कैसा व्यक्तित्व होगा? ये कैसा वर्गीकरण है? पेट बड़ा आते कम विकसित हो, ये विशेषता पाई जाएगी एंडोमार्फी व्यक्तित्व। सेल्डन का विभाजन है, हमने बताया सेल्डन ने तीन प्रकार के व्यक्तित्व का विभाजन किया था, एंडोमार्फी मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी। एंडोमार्फी का जो विशेषता है पेट बड़ा और आते कम विकसित होती है। 24वां प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व विकास का आरंभ। बालक के व्यक्तित्व विकास का आरंभ कब होता है? बालक के व्यक्तित्व विकास का आरंभ शैशवा काल में हो जाता है। शैशवावस्था में व्यक्तित्व विकास का आरंभ शैशव काल से ही हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है व्यक्तित्व विकास का आरंभ कब होता है, तो ध्यान में रखना है शैशवावस्था में ही व्यक्तित्व विकास का आरंभ हो जाता है। 25वां प्रश्न, और इस प्रश्नावली का, इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, TAT का निर्माण किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। TAT थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया? थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो कथानक बोध परीक्षण इसको कहा जाता है, दूसरा नाम है कथानक बोध परीक्षण। कथानक बोध परीक्षण जिसमें व्यक्तित्व विशेषताओं की जांच होती है, व्यक्तित्व
की विशेषताओं से संबंधित है। इसमें जांच में 10 महिला के चित्र, 10 पुरुष के चित्र और 10 महिला पुरुष दोनों के चित्र, कुल मिलाकर 30 चित्रों की यह प्रश्न विधि है। इस परीक्षण में 30 चित्र होते हैं। व्यक्तित्व विशेषताओं की जांच इसमें होती है। किसी भी व्यक्ति को दिखाया जाता है और 5 मिनट का समय उसको दिया जाता है कहानी लिखने के लिए। उस कहानी के निष्कर्ष से व्यक्तित्व विशेषताओं का पता लगता है। तो ये TAT का निर्माण किसने किया था? ये मार्गन एवं मरे, कहीं कहीं ये मूरे भी मिलता है। मार्गन एवं मरे या मूरे ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने TAT का निर्माण किया। हम रिवीजन देखते हैं। मेसोमार्फी क्या है? मेसोमार्फी सुडोल, मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां, ऐसे विशेषता वाले मेसोमार्फी जो सेल्डन का वर्गीकरण है व्यक्ति होते हैं। TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट व्यक्तित्व मापन की परीक्षेपण विधि है। रोडसा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 10 कार्ड की सहायता से परीक्षण का निर्माण किया। 1921 में बच्चों के व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त टेस्ट का नाम ये CAT है, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, जो बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है। किशोरों के लिए MMPI A का प्रयोग होता है। सीलगुण सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तित्व मापन का ये सिद्धांत है। मानसिक चिकित्सा में प्रयुक्त विधि कौन सी है? स्वप्न विश्लेषण विधि है। किस विधि द्वारा व्यक्तित्व के उन गुणों का बोध होता है जिससे व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है? यह प्रक्षेपण विधि है। प्रक्षेपण विधि के प्रयोग से व्यक्ति के छुपे हुए गुणों का पता लगता है। पेट बड़ा, हाथे कम विकसित हों, ऐसे व्यक्ति एंडोमार्फी व्यक्तित्व होते हैं। बालक के व्यक्तित्व का विकास शैशव अवस्था से प्रारंभ होता है। और TAT का निर्माण मार्गन और मूरे ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका निर्माण किया। इस प्रकार से हमने 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्नोत्तरी हम व्यक्तित्व से संबंधित लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए। व्यक्तित्व से संबंधित हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम पुनः आप सबको बताना चाहेंगे, आप उसको देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए, समझने के लिए, पसंद करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।